नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने चुटीले व्यंग के बाढ़ प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़े हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नई नवेली दुल्हन से की है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी उस नई नवेली दुल्हन की तरह हैं जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि वो काम कर रही है। बस यही हुआ है मोदी सरकार के साथ। टाइम पत्रिका द्वारा पीएम मोदी को अपने कवर पेज पर स्थान देने और उन्हें डिवाइडर इन चीफ कहने पर भी सिद्धू ने निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को लायर इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ कहते हैं। सिद्धू ने कहा कि यही नहीं, नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के बिजनेस मैनेजर भी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को फेकू नंबर वन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कई फिल्में देख चुके हैं, जैसे कि हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, वैसे ही नरेंद्र मोदी की नई फिल्म आने वाली है फेकू नंबर वन। सिद्धू ने कहा कि मोदी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया है। गौरतलब है कि इससे पहले सिद्धू ने इंदौर में ही बीजेपी को काले अंग्रेज की संज्ञा दी थी और कहा था कि कांग्रेस ने जैसे देश को गोरे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है, वैसे ही इंदौर वाले काले अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाएगी। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों का जवाब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सिद्धू पर राहुल गांधी की संगति का असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ रहकर वह भी ऐसे बयान देने लगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश तोड़ने वालों के साथ रहते रहते सिद्धू को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन गोरा है और कौन काला है। बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि सिद्धू देश तोड़ने वालों में से हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे आई न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।